नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें, हिसार से एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि हिसार में किसान आंदोलन में एक किसान की जो है वो मौत हो गई है और हार्ट अटैक के जो है वो किसान की मौत की वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में किसान आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत हो गई है और मृतक किसान आज आंदोलन में आया हुआ था और हिसार के क्रांतिमान पार्क में पहुँचा हुआ था। किसान की पहचान हिसार के उगालन गांव के रहने वाले रामचंद्र खरब के रूप में हुई है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि किसान रामचंद्र आज हिसार में किसान आंदोलन में पहुंचा था और हिसार के क्रांतिमान पार्क में एकत्रित होने के बाद हार्ट अटैक की वजह से किसान रामचंद्र खरब की मौत हो गई है। तो दोस्तों, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। और हिसार में किसानों के प्रदर्शन के बाद केस दर्ज करने के मामले में आज अलग अलग जगहों से भारी संख्या में किसान प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। किसानों ने हाल ही में 300 से ज़्यादा किसानों पर दर्ज हुए केस वापस लेने की जो है वो मांग की थी। आपको बता दें, पिछले रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो इसी दौरान किसानों ने सीएम का विरोध करना चाहा था, जिसमें किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई थी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी, राकेश टिकैत व काफ़ी सारे बड़े बड़े नेता जो है वो अभी फिलहाल हिसार में पहुँच चुके हैं। वहीं अगर हम मातृशक्ति की बात करें या युवाओं की बात करें, काफ़ी सारी तादाद में जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। सभी किसान हिसार के क्रांतिमान पार्क में एकत्रित हो रहे हैं और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से काफ़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं यहां से हिसार कमिश्नर के कार्यालय के घेराव के लिए जो वो किसान अभी जल्द से जल्द रवाना होने वाले हैं। और इस मामले में पहले दिन तो आपस में बैठक और समझौता जो वो किसान और पुलिस के बीच में हो गया था, लेकिन एक दिन छोड़कर अगले दिन किसानों पर केस दर्ज करवाए गए। इसी से जो हो किसान नाराज़ हो गए और आज हिसार में प्रदर्शन का जो किसानों ने ऐलान किया था। इधर जिला प्रशासन ने 6 जिलों की अलग अलग पुलिस के जवान और आरपीएफ की टुकड़ियां बुलाई हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान यहाँ पे पहुँचे हैं, उसमें चाहे महिला हो, युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, काफ़ी सारी तादाद में पहुँचे हैं। तो दोस्तों, ये थी जो है वो इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। हिसार में किसान की जो है वो एक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। और तो और भी ऐसी ऐसी अपडेट के लिए दोस्तों हरियाणा 36 लाइव पे बने रहें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, धन्यवाद। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।